पर ये स्टील के पेच लगे हुए हैं इस पे, ये मैं दिखाना चाहूंगा और इनको मैं टच भी कर रहा हूँ। वर्किंग कंडीशन में ये बिल्कुल ऑन है, आप देख सकते हैं, और इसको मैं टच कर रहा हूँ तो मुझे कोई करंट नहीं लग रहा है। और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो मुझे भी नहीं पता है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तभी मुझे भी पता लगेगा कि बजाज का गीजर किस तरह से परफॉर्म करेगा और इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो अब जो है अग्नि परीक्षा है बजाज के गीजर की कि ये क्या करेगा। ये तो आप मान ही लो कि 3000 वॉट का हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है तो बिजली तो बहुत तेजी से खाएगा ही खाएगा। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एक इंस्टेंट गीज़र को दूसरे इंस्टेंट गीज़र से। एक देसी गीज़र है हमारे पास जो 1 लीटर कैपेसिटी में है और इंस्टेंट टाइप का है वो भी, और एक तरफ है हमारे पास ब्रांडेड गीज़र जो 3 लीटर टैंक के साथ आता है, ये भी इंस्टेंट है और ये भी इंस्टेंट है। ये भी आपको रनिंग हॉट वाटर प्रोवाइड करता है और ये भी इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। दोनों ही गीज़र्स किचन यूज़ के लिए बेस्ट हैं, लेकिन क्या ये 1000 रुपये का गीज़र लेना ज़्यादा बेटर है या फिर हमें 2500 या 3000 रुपये का कोई गीज़र लेना चाहिए, तो ये सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी लेने में कंफ्यूज हैं तो आज आपकी कंफ्यूजन ज़रूर दूर हो जाएगी, या तो आप 1000 रुपये खर्च करेंगे या फिर थोड़े से ज़्यादा। तो चलिए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इस छोटे वाले गीज़र को। इसकी मैंने जो प्लग है वो यहाँ पर लगा रखा है और जो सप्लाई है आप देख सकते हैं 230 के आसपास आ रही है। अभी फिलहाल बटन बंद है, इस पर भी कोई लाइट नहीं आ रही है, और इसका इनपुट मैंने दिया है यहाँ से और आउटपुट के लिए ये पाइप लगा दिया है और उसके अंदर हमने अपने टेम्परेचर सेंसर का पिन लगा दिया है और डिस्प्ले पे यहाँ पर हमें टेम्परेचर दिखता रहेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ठंडे पानी का टेम्परेचर ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी की सप्लाई ऑन कर रहा हूँ और पानी की जैसे ही सप्लाई मैंने ऑन करी, हो सकता है आपको आवाज़ भी आई हो, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो गया है। ये गीज़र बिल्कुल खाली था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, तो यहाँ पर अब पानी आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ टेम्परेचर का जो ये डिस्प्ले है हमारे पास, इस पर हमें पता लग जाएगा कि ठंडे पानी का टेम्परेचर कितना है। लास्ट जो रीडिंग हमारे पास है वो है 18.1, तो यानी कि 18 डिग्री पर यहाँ पर ठंडा पानी है। और अब हम चलिए इसको ऑन करते हैं और आप देखिएगा कि यहाँ पर भी फिर रीडिंग्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, सप्लाई जो है वो 9 और 10 वोल्ट कम हो गई, लोड पड़ा जब इसका, और जो अम्पेयर हैं वो 12 अम्पेयर चल रहे हैं और लोड आप देख सकते हो 2600 के आसपास चल रहा है। हालांकि ये जो गीज़र है ये 3000 वॉट का गीज़र है, लेकिन जो इनपुट सप्लाई है वो 230 होगी तो ये 3000 वोल्ट लेता है, अदरवाइज थोड़े कम ही लेता है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी। एनीवेज मैं अब यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, इसी वोल्टेज पे मैं इसको टेस्ट करूँगा और बजाज वाले को भी। तो आप देख सकते हैं अभी ये दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पर जल रहे हैं, ग्रीन वाला भी और रेड वाला भी, यानी कि अभी जो इसके अंदर पानी है एलिमेंट उसको गर्म कर रहा है और उसके बाद थर्मोस्टेटिक ये कटआउट हो जाएगा, देन हम इसकी पानी की सप्लाई जो है वो चालू करेंगे। 18.5 जो है रीडिंग हमें लास्ट मिली है ठंडे पानी की, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी कटआउट हो गया एलिमेंट, क्योंकि 1 लीटर पानी को गर्म करने में कितना टाइम लेगा, 3000 वॉट का पावरफुल एलिमेंट जो लगा हुआ है इसमें। तो चलिए अब यहाँ पर इसका जो सप्लाई है वो ऑन करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर आपको वेरिएशन दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत एक आधा ड्रॉप यहाँ से आ रहा होगा इसके आउट में से, तो उसकी वजह से यहाँ पर वेरिएशन आपको दिख रहा है। बट मैं अब सप्लाई चालू करूँगा, फिर हम देखेंगे कि रनिंग में कितना पानी आता है। तो पहले तो जो पानी आ रहा है यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये सप्लाई चालू हो गई है, काफ़ी गर्म पानी है और जो टेम्परेचर है वो लगभग 42 डिग्री के आसपास है पानी का, 45.9। और आप देख सकते हैं जैसे ही गर्म पानी इसमें से निकला तो एलिमेंट ने दोबारा वर्क करना स्टार्ट कर दिया, इंडिकेटर जो है वो दोबारा से आ गए। अब ये रनिंग कंडीशन में पानी को गर्म करता रहेगा और जो कॉन्स्टेंट हमारा बिजली का खपत है वो भी होता चला जाएगा। तो यहाँ पर 220 की सप्लाई है और 12 एम्पीयर का लोड ये ले रहा है। चलिए देखते हैं अब पानी में क्या हमें टेम्परेचर रीडिंग्स मिलती हैं। तो पानी का जो निकासी है वो जारी है, मैंने टैप बिल्कुल भी बंद नहीं किया, कुछ नहीं किया है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना वेरिएशन आता है। तो यहाँ पर मुझे रीडिंग्स दिख रही हैं 25.9, 26.5। जो हमारे ठंडे पानी का टेम्परेचर था वो 18 डिग्री था, 18.5 लास्ट में रीडिंग हमें मिली थी, तो चले उसको 18 मानते हुए चल रहा हूँ मैं। तो 18 डिग्री के पानी को ये 26.5 डिग्री पर गर्म कर रहा है हीटर, तो इसका मतलब ये है कि 8 डिग्री
जो टेम्परेचर है उसको ये बढ़ा रहा है। अभी मैं इसको थोड़ी देर चलने दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा चलने के बाद भी टेम्परेचर जो है वो और बढ़ जाता है, तो इसको मैं लगभग 2-3 मिनट और चलने दूंगा। जब तक जो ये पानी आ रहा है, बेसिकली ये है 26.3 डिग्री से, तो जो यहाँ पर ये कंटिन्यू आ रहा है, तो इसको मैं टच कर रहा हूँ जब पानी को, तो ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी, इसको गर्म पानी नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है कि हम इसमें काम कर सकते हैं, हमारे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे, सुन नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसको गर्म नहीं बोल सकते। ये इवन कि गुनगुना भी नहीं है, ये बस नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी है, ठीक है। और इस पानी के लिए हम 3000 वाट खर्च कर रहे हैं प्रति घंटा, और ये बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हैं इस गीज़र को चलते हुए लगभग 2 मिनट तो हो ही गए होंगे, और जो रनिंग पानी का टेम्परेचर है वो 26.5 से ऊपर जा नहीं पा रहा है, और जो पावर कंजम्पशन है वो कंटिन्यू होती चली जा रही है, 0.17 यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं। तो ये तो आप मान ही लो कि 3000 वॉट का हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, तो बिजली तो बहुत तेज़ी से खाएगा ही खाएगा वो। तो एनीवेज एक आधा मिनट और देख लेते हैं। तो मेरे को तो यहाँ पर इसकी लास्ट जो रीडिंग है वो यही समझ आती है, 26.56, बस इससे ज़्यादा ये पानी गर्म कर नहीं पाएगा अगर मैं प्रेशर कम ना करूँ तो। और मैं प्रेशर कम नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि पूरे प्रेशर के ऊपर ही मैं बजाज का गीज़र भी चेक करूँगा। तो यहाँ पर जो मुझे समझ आ रहा है कि 8 डिग्री का यहाँ पर वेरिएशन है, और इस गीज़र को अगर मैं हाथ लगा के देखूँ तो ये भी ठंडा पड़ा हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एलिमेंट वर्क कर रहा है तो कहीं से ये हीट हो रहा हो या कुछ है, ये बिल्कुल ठीक पड़ा है। और ये पाइप भी काफ़ी हार्ड है, यानी कि इसमें अगर गर्म पानी आ रहा होता तो ये भी काफ़ी नरम हो जाता। और यहाँ पर ये स्टील के पेच लगे हुए हैं इस पर, ये मैं दिखाना चाहूँगा, और इनको मैं टच भी कर रहा हूँ, वर्किंग कंडीशन में ये बिल्कुल ऑन है, आप देख सकते हैं, और इसको मैं टच कर रहा हूँ तो मुझे कोई करंट नहीं लग रहा है। सो रीडिंग्स के ऊपर आते हैं दोबारा से, तो 26.8, अब हो सकता है 26.9, अभी और वेट कर लेते हैं एक आधे मिनट का, देखते हैं कि कितना गर्म ये पानी दे पाता है हमें, और उसके बाद ही फिर हम इस बजाज के गीज़र को टेस्ट करेंगे और इसकी भी एफिशिएंसी टेस्ट कर लेंगे। और जब दोनों हम टेस्ट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने होंगे रिजल्ट्स, और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो मुझे भी नहीं पता है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तभी मुझे भी पता लगेगा कि बजाज का गीज़र किस तरह से परफॉर्म करेगा और इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 डिग्री से ये पानी दे रहा है, इट मीन्स 18 डिग्री पे पानी था, तो लगभग 9 डिग्री इंक्रीज़ किया है इसने पानी का टेम्परेचर रनिंग कंडीशन में। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, और अब बारी है बजाज के गीज़र को टेस्ट करने की, ठीक है। तो 27 डिग्री मुझे लास्ट यहाँ पर मिला था, और इसने अभी तक जो खर्च कर दिए हैं वो 0.3 यूनिट्स कंज्यूम कर चुका है ये, और 12 एम्पेयर से भी ऊपर का लोड ले रहा है ये। तो चलिए भाई बंद कर देते हैं। तो 1 लीटर के इस इंस्टेंट गीज़र को बंद करने के बाद अब कनेक्शन मैंने इस बजाज के गीज़र का लगा दिया है, यहाँ पे सॉकेट आप देख सकते हो, और जो ठंडे पानी का टेम्परेचर है वो यहाँ पे मैं सेंस कर रहा हूँ, पानी ऑन ही कर रखा है मैंने, और डिस्प्ले पे यहाँ पर 18.3 मुझे रीडिंग्स मिल रही हैं। तो जैसे ही बटन ऑन होता है तो आप देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप मारता है, और 2800 वाट का ये लोड ले रहा है, और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो आप देख सकते हैं। हालांकि अभी पानी की जो सप्लाई है वो मैंने बंद कर दिया है, तो अभी जो इसके अंदर 3 लीटर पानी है उसी को ये पहले गर्म करेगा और कटआउट होगा। और वाटेज यहाँ पर मैं बताऊँ तो ये ले रहा है लगभग 2800 के आसपास, और जो इनपुट सप्लाई है वो 222 के आसपास आ रही है। इसी इनपुट सप्लाई के ऊपर मैंने इसको जब टेस्ट किया था तो आपको जो यहाँ पर रीडिंग्स मिल रही थी वो 2600 के आसपास मिल रही थी, लेकिन जो ये वाला गीज़र है ये 2800 वाट ले रहा है सेम इनपुट के ऊपर। तो इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा वो भी अभी पता लग जाएगा। और अम्पेयर जो है वो 12 अम्पेयर ले रहा था ये वाला गीज़र, और ये ले रहा है 12.5, तो ठीक है। बाकी अब देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर है इसका ये कब बंद होगा, यानी कि कटआउट कब होगा, और जो पानी का टेम्परेचर ठंडे पानी का वो लास्ट यहाँ पर चला गया है 16.9, इसको 17 डिग्री मान लो आप, तो आप एक मान लो कि इस वाले में हमने 18 डिग्री पर पानी गर्म किया था, 18.5 आई थी उसकी रीडिंग, और इस वाले में हम 17 डिग्री पर पानी गर्म कर रहे हैं, तो यानी कि पानी जो है वो थोड़ा और ठंडा हो गया है बजाज के बारे में। तो अब देखते हैं बजाज वाला जो गीज़र है, यानी कि इस टाइप के जो इंस्टेंट गीज़र होते हैं 3 लीटर वाले, जिनके अंदर मतलब पफ भी होता है, पूरा इंसुलेटेड होते हैं ये,
तो इनकी परफॉर्मेंस क्या इन देसी गीजर से जो जुगाड़ से बनते हैं इनसे अच्छी मिलती है, तो उसी चीज़ का टेस्ट हम इस वीडियो में करेंगे। और पहले मैं इसको कट ऑफ होने दूंगा, उसके बाद ही इसकी जो सप्लाई है वो मैं ऑन करूंगा। तो अब यहाँ पर कट ऑफ हो गया है, आप देख सकते हैं रीडिंग्स जो हैं वो रुक गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पानी की जो सप्लाई है उसको ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने पानी की जो सप्लाई है वो ऑन कर दी है, आप देख सकते हैं पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और उसका टेम्परेचर जो है वो 74 के आसपास यहाँ पर हमें दिख रहा है। अभी तक भी गीज़र ऑन नहीं हुआ है, अब हो गया गीज़र ऑन, तो अब रनिंग कंडीशन में ये पानी को गर्म करेगा। तो अब देखिए आप रीडिंग जो है वो कम होती चली जा रही है, 64 पे आ गई है और जो पानी है वो लगातार यहाँ से निकल रहा है और इसीलिए ही टेम्परेचर भी पानी का अब कम होता चला जाएगा। सो बेसिकली तो हमें ये देखना है कि यहाँ से अब हमें कंटिन्यू कितने टेम्परेचर के ऊपर पानी मिलता रहेगा, क्योंकि इस वाले गीज़र की बात करें तो इसकी तो आपने परफॉर्मेंस देख ही ली है कि ये 9 डिग्री अप कर रहा था पानी का टेम्परेचर। तो अब जो है अग्नि परीक्षा है बजाज के गीज़र की कि ये क्या करेगा, क्या इसको बीट कर पाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर हम ठंडा पानी भी 1 डिग्री ज़्यादा ठंडा डाल रहे हैं इसके अंदर। इसमें हमने यूज़ किया था 18.5 के आसपास और इसमें हम 17 डिग्री से पानी यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पानी की जो सप्लाई है वो कंटिन्यू ऑन है और पूरा ही मैंने प्रेशर रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब जो टेम्परेचर आ रहा है वो 29.6 आ रहा है हॉट वाटर का, और आप देख सकते हो कि सब कुछ ऑन है, लोड वगैरह सब आप चेक कर सकते हो कितने पे चल रही है ये मशीन। सो 29.1 रीडिंग है यहाँ पर बजाज के इस गीज़र से रनिंग हॉट वाटर की। तो इसमें अब क्या क्या वेरिएशन आएगा, कितना फ़र्क पड़ेगा, मैं इसको भी थोड़ी देर चलाऊंगा, 28.8 हो गया है। तो रनिंग कंडीशन में ही पता लगता है कि कितना ज़्यादा मतलब हमें पानी गर्म मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर मैं इस रीडिंग के हिसाब से बात करूँ तो 17 डिग्री पर पानी इसके अंदर इन जा रहा था, तो हमें लगभग 28.8, इसको मैं 29 मान लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 12 डिग्री अप कर रहा है। आई होप कि आपको भी ये वीडियो देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है और आपको भी बहुत मज़ा आता है मुझे पता है वीडियोस देखने में। तो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा एमब्लॉग्स चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि जब भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो कोई एमब्लॉग्स चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बहरहाल रीडिंग्स की तरफ चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इस गीज़र को चलते हुए। तो 28.3 के हिसाब से पानी इसमें से लगातार आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बिजली की खपत 1 लीटर वाला जो था जब हमने इसको चलाया तो लास्ट रीडिंग मेरे पास थी 0.31, जो कि अब 0.72 हो गई है। तो यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि सेम इनपुट सप्लाई के ऊपर मैंने इसको भी चलाया और उसको भी चलाया, तो बिजली की जो खपत है वो बजाज वाला गीज़र ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि वो सेम इनपुट के ऊपर ज़्यादा लोड ले रहा है, जबकि ये जो एक वाला था, ये 1 लीटर वाला था, ये थोड़ा सा कम ले रहा था। तो ये अब चीज़ें अगर आपके लिए मैटर करती हैं तो आप देखिए, मेरा काम था कि आपको इन दोनों की कंपैरिजन वीडियो करके बताऊं, टेस्टिंग करके बताऊं। तो फिलहाल मैं यहां पर इसको बंद कर देता हूं, काम का बिजली और पानी क्यों वेस्ट करना जब हमारा काम हो ही चुका है। तो लास्ट रीडिंग आप देख लो 28.3 है, तो बंद कर दिया है मैंने। तो अब इस वीडियो में अगर आपको समझ आता है इनमें से कोई भी गीज़र तो आप देख लो, खरीद सकते हो। ये 1100 1200 1500 तक मिल जाते हैं, ये 2500 का है, और ऐसे ही और जो बढ़िया गीज़र हैं मतलब इस तरह के हैं वो आपको 3500 तक भी मिल जाएंगे, 4000 तक भी मिल जाएंगे, ब्रांड टू ब्रांड फ़र्क पड़ता है। बाकी इन दोनों में से आपको लेना कौन सा है, लुक वगैरह मैटर करती है, तो आप ये 3 लीटर वाला ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ लुक वगैरह से कोई मतलब नहीं है तो आप ये वाला भी ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हाँ, इसकी जो वारंटी गारंटी होगी उसका भाई कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ये जो है वो ब्रांड से मिलेगी आपको वारंटी गारंटी, वो कुछ चीज़ों को कुछ लोगों के लिए वो भी चीज़ मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही आप कोई भी इन दोनों में से प्रोडक्ट खरीदें। बहरहाल इस वीडियो में दिखाए गए दोनों प्रोडक्ट्स के बाय लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इनके अलावा भी बाकी अच्छे अच्छे गीज़र्स के बाय लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आपको कोई गीज़र लेना है तो आप उनमें से ले लीजिए, और अगर आपको कोई स्टोरेज गीज़र लेना है तो एओ स्मिथ का ये गीज़र भी ले सकते हैं 25 लीटर का, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।